नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा पिपरिया के धागा फैक्ट्री के सैकड़ों ठेका श्रमिक कम मजदूरी से दुखी होकर लेबर ऑफिस पहुंचे। महिला श्रमिकों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की तो फैक्ट्री मैनेजमेंट ने नौकरी से निकालने की धमकी दी। धर्मपुर में वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो सदस्य नामांकन अभियान चलाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम घर घर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संगठन बनाएंगे, जैसा दिनेश भाई पटेल ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा पिपरिया की धागा फैक्ट्री के सैकड़ों ठेका श्रमिक कम मजदूरी से दुखी होकर लेबर ऑफिस पहुंचे, जहां महिला श्रमिकों द्वारा मजदूरी बढ़ाने की मांग करने पर फैक्ट्री मैनेजमेंट द्वारा उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। सिलवासा पिपरिया की धागा फैक्ट्री के सैकड़ों ठेका श्रमिक कम वेतन से परेशान होकर श्रम कार्यालय पहुंचे, फैक्ट्री प्रबंधन को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी। सिलवासा पिपरिया स्थित सरला धागा फैक्ट्री के श्रमिक श्रम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। श्रम कार्यालय अब नए कलेक्टर कार्यालय में स्थानांतरित हो गया है। सुबह से ही सैकड़ों श्रमिक श्रम कार्यालय पहुंच गए थे। दोपहर 1 बजे तक श्रमिकों की श्रम पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। मजदूरों ने कहा कि हम सरला ट्रेड कंपनी में वर्षों से ठेके पर काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे श्रमिकों की 12 घंटे की मजदूरी मात्र 350 रुपए है। अब प्रबंधन ने हमारी दैनिक मजदूरी में मात्र 20 रुपए की बढ़ोतरी की है। हमारी मांग 500 रुपए दैनिक मजदूरी है। महिला श्रमिकों ने कहा कि वेतन वृद्धि की मांग करने पर फैक्ट्री प्रबंधन ने हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी। हम न्याय के लिए यहां श्रम कार्यालय आए हैं। 15 साल से ड्यूटी करते तो काम बढ़ाने के लिए कुछ बोला है? काम के लिए कुछ नहीं बढ़ा, ना पगार बढ़ा रहा, सिर्फ टाइम भी 5 मिनट बोलता है लेट होगा, पास होगा तो निकाल दूंगा कंपनी। तुम लोग को करना है तो करो, नहीं जाओ। और नया नया मैनेजर लोग आते हैं, अपना अपना रूल चलाते हैं। अच्छा, आप क्या काम करती है कंपनी? धागा पैकिंग करते हैं। कितनी महिलाएं हैं टोटल? ज्यादा है महिलाएं, कोई गिनती तो नहीं। 3 प्लांट है। 3 प्लांट है, 300 से ज्यादा है। रिवेंडर वाली कमी 11 घंटा ड्यूटी लेता है तो यहाँ पर आधी लेता है, पगार कम ही देता है। अच्छा, कम देता है। हाँ। क्या समस्या हुई, किस लिए आए हो? हम लोग यहाँ पे आए हैं, पगार हम लोग का बढ़ा नहीं है, ठीक से 25 रुपये बढ़ा के हम लोग को दिया है, 100 रुपये बढ़ा हुआ है, लेकिन 25 रुपये हम लोग को मिला है बढ़ा करके। और हमको यहाँ पे 4 साल हो गया है ड्यूटी करते हुए, और कंट्रैक्ट से ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो पी एफ वोट नहीं कटता हम लोग का, बस खाली ड्यूटी कर रहे हैं और सब सिस्टम कैसा है बनाना पड़ रहा है। तो आप कितना पगार मांग कर रहे हैं? पगार मेरे अकेले मांग से तो नहीं, आपका बताइए ना, आपका कितना पगार चाहिए? पगार तो मेरे को 500 रुपये तो मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और अभी 25 रुपये बढ़ाया है तो अभी 400 रुपये मिल रहा है। 400 मिल रहा है, 500 चाहिए आपको। तो अभी यहाँ कलेक्टर से मिले आप किसी को? अभी नहीं मिले, अभी तो आए यहाँ पे, तो किसी से नहीं मिले अभी तक। मिलने जाए अभी तो मिला है, बाहर सब खड़े हैं, कोई लाया ही नहीं है। अच्छा, यहीं पे खड़े हैं हम लोग। तो आप मैनेजर क्या कह रहा है, मैनेजर से मिले आप? नहीं मिल पाया, किसी से नहीं मिल पाया, अभी यहीं पे हम लोग खड़े हैं। बांदर कहें कहाँ जाए, किसके पास जाएंगे? अच्छा, अभी यहाँ आए भी नहीं है। टोटल कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अभी करीब 200-400 लोग हैं। होंगे आपका नाम? वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक धर्मपुर में हैंड इन हैंड सदस्य पंजीकरण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मंत्री मौजूद रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का आह्वान किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस कमेटी की ओर से विभिन्न जिलों में कार्यकारिणी बैठकें आयोजित की गई। वलसाड़ जिला कांग्रेस कमेटी की जिला कार्यकारिणी की बैठक धर्मपुर में आयोजित की गई, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो सदस्यता पंजीकरण के आयोजन के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गोविंद भाई पटेल, राज्य मंत्री तरुण भाई वाघेला, वलसाड़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल,
पूर्व सांसद किशन भाई पटेल आदि उपस्थित थे। दिनेश भाई पटेल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गांव गांव जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संगठन बनाएंगे। इसके साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो रजिस्ट्रेशन में व्हाट्सएप नंबर से खुद फॉर्म भरकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। इस अवसर पर वलसाड जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष भोला भाई पटेल, महासचिव गिरीश देसाई, वलसाड कांग्रेस कमेटी के प्रकाश पटेल, पीरू मकरानी, एडवोकेट रसिक भाई, उमरगाम तालुका अध्यक्ष फुलजी भाई, रमेश भाई पारड़ी, तालुका अध्यक्ष मेहुल वाशी, कपराड़ा के हरीश भाई, धर्मपुर के सुरेश भाई, यूथ कांग्रेस महिला प्रमुख कुंजाली पटेल, धर्मिष्ठा पटेल, जिला कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं महिला कांग्रेस कमेटी आदि मौजूद रहे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मंत्री मौजूद रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतने का आह्वान भी किया। आज हमारा वलसाड जिला कांग्रेस खाते वलसाड जिला कारोबारी मड़ी थी, जहाँ हमारा अपना प्रमुख श्री एवा गोयल सिंह सूचना अनुसार दरेक जगह दरेक जिला में कारोबारी बोलावी अने अमे जे सभ्य नोंधणी फॉर्म छे ए मुको वेची थी एना अनुसंधान में आज अमे वलसाड खाते मीटिंग रखी थी। आज अमारी साथे अमारा प्रदेश उपप्रमुख एवं गोविंद भाई पटेल अने अमारा प्रदेश मंत्री लोहियाराना एवं तरुण भाई वाघेला, उपप्रमुख एवं प्रदेश माजी सांसद किशन भाई, दरेक अमारा संगठन साथ रही एक जबरदस्त मीटिंग आयोजन थयुं छे। दरेक मारा कार्यकर्ता दरेक प्रमुख सीओ दरेक संगठन प्रमुख सीओ आया था उदय सौ आज आभार मानू। आज आना दिवस में तुम्हें जुड़ू हे कि अमरा गोविंद भाई पटेले सरस सूचना आपी ने अमरा तरुण भाई वाघ सूचना सारी आपी कि आना समय में आना इलेक्शन है यहाँ अमे घरे घरे गामडे पर जाइने युग संगठन द्वारा जो एकता है जो पहला एकता आती थी अमे पाछी लावा ताकत कर समय में अमे सफल थी व्यासा। आज अमरा कारोबारी जो प्रदेश थी अमरा गोविंद भाई पटेल उप्रमुख, अमरा मंत्री श्री तरुण भाई वाघेला, अमरा माजी सांसद किशन भाई, दरेक तालुका प्रमुख सीओ, सेना प्रमुख सीओ, दरेक संगठन प्रमुख सीओ मोटी संख्या में अमरा कार्यक्रम आज थे। दीव के पर्यटक स्थलों और शिक्षा केंद्र पर संसदीय स्थायी समिति का आगमन हुआ। सोलर पावर प्लांट, खोखरी विसुल, हेरिटेज वॉकवे आदि का दौरा भी किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दीव में विभाग संसदीय स्थायी समिति के आगमन के साथ दीव हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया और रात में खुखरी मेमोरियल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रीति भोजन का आयोजन किया गया। गुजरात सोमनाथ में आपदा प्रबंधन बैठक में हिस्सा लेने के बाद वह शाम को दीव लौट आए। इसके बाद उन्होंने दीव के हेरिटेज वॉकवे फुदाम में गंगेश्वर महादेव का दौरा किया और सौर ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सोलर पावर प्लांट से दीव को होने वाले फायदे, सोलर की कार्य प्रणाली आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर प्रोजेक्टर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 99 में मन की बात के एपिसोड को भी दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर दीव के सोलर पावर प्लांट के बारे में देशवासियों को बताया। सौर ऊर्जा संयंत्र का दौरा करने के बाद उन्होंने दीव एजुकेशन हब और खुखरी विसुल का दौरा किया। इसके बाद संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से दीव के किले में सभी अतिथियों के लिए प्रीति भोजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ प्रदेश प्रशासन के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। लंदन लिसेस्टर में दमनिया मच्छी महाजन द्वारा शिव महापुराण कथा का आरंभ किया गया, जिसमें खैर गांव के देव भाई जोशी ने कथा सुनाई और भक्तों को शिव महिमा का लाभ मिला। लंदन लेस्टर स्थित दमनिया माछी महाजन हॉल में शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री दमनिया माछी महाजन द्वारा किया गया। सोमवार से शुरू हो रही कथा के साथ श्रवण मास में महादेव की महिमा सुनने वाले श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। 5 दिवसीय कथा का खैरगाम के देवूभाई जोशी द्वारा स्वाद करवाया जा रहा है। कथा के प्रारंभ में लंदन लेस्टर में श्री दमनिया माछी महाजन द्वारा पोथी यात्रा निकाली गई। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक लोग कथा का लाभ ले रहे हैं। इस अवसर पर NRI संयोजक केशव भाई बटाक, जयंती भाई भाटेला, नरसिंह भाई, पंकज भाई प्रभाकर, प्रमोद टंडेल, अविनाश, रमन भाई, गिरीश भाई, विनोद, कुणाल, विमल, महेश, लक्ष्मण भाई सहित माछी महाजन समाज के नेताओं महिलाओं ने कथा को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सिलवासा लायंस हवेली ग्रुप के तीनों शैक्षणिक संस्थानों ने मनाया शिक्षक दिवस। सिलवासा लायंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित लायंस इंग्लिश स्कूल, श्रीमती देवकीबा मोहन सिंह जी चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस और हवेली इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च द्वारा शिक्षक दिवस मनाया गया।
लायंस क्लब ऑफ सिलवासा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान और उपाध्यक्ष एडी निकम ने तीनों शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी। अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान ने अपने प्रेरक उद्बोधन में विद्यार्थियों को गुरु का व्यवहारिक महत्व समझाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शिक्षकों के प्रति अपना प्यार भी जताया। अध्यक्ष फतेह सिंह चौहान द्वारा शिक्षकों को उपहार भी दिए गए। इस कार्यक्रम में लायंस हवेली ग्रुप के तीनों शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा पिपरिया के धागा फैक्ट्री के सैकड़ों ठेका श्रमिक कम मजदूरी से दुखी होकर लेबर ऑफिस पहुंचे। महिला श्रमिकों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की तो फैक्ट्री मैनेजमेंट ने नौकरी से निकालने की धमकी दी। धर्मपुर में वलसाड़ जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो सदस्य नामांकन अभियान चलाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम घर घर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ संगठन बनाएंगे, जैसा दिनेश भाई पटेल ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़।